रास रचा कर बंसी बजा कर, रास रचा कर बंसी बजा कर, कहाँ खो गए हमको लुभा कर, नटवर नागर निष्ठुर छलिया, नटवर नागर निष्ठुर छलिया, लीला न्यारी कहाँ छुपे, पाके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे, दर्शन दीजो शरण मिली जो, दर्शन दीजो शरण मिली जो, हम बलिहारे कहाँ छुपे, पाके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे, पता नहीं किसने भेजा होगा। आपको भी मैसेज आया है? मैंने तो सोचा कि मुझे ही आया है। अरे अरे क्या हो रहा है ये?
भेजकर तंग कर रहा है। यश, लगता है कोई हमें अगस्त के महीने में अप्रैल फूल बना रहा है। मैसेज तो मुझे भी आया है। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं कौन होगा। फ्रेंड्स, ये तो मम्मा भी घर पर नहीं है आज। कूल डाउन फ्रेंड्स, कूल डाउन। थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि इस ऑनलाइन मीटिंग का क्या चक्कर है। वाह, क्या सुंदर नजारा है। हमें ऐसे क्या देख रहे हैं? पहचाना नहीं? नारायण नारायण, ये तकिया कलाम तो जरूर सुना होगा। हम आदिदेव पत्रकार, पल पल की खबर रखते हैं हम। हमें सब पता रहता है कौन क्या कर रहा है। नारायण नारायण, हमें तो यह भी पता है कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो। नारायण नारायण, आरुष, सुबह जब आपकी माताश्री ने आपको दूध पीने के लिए कहा था, तो तब आपने? नहीं नहीं अंकल, प्लीज मम्मा से बहुत डांट पड़ेगी कि मैंने दूध पिया नहीं था। हमें समझ आ गया अंकल कि आप सचमुच के नारद हो, लेकिन आप यहाँ, आपने ही हमें ऑनलाइन मीटिंग का मैसेज भेजा था। हाँ बालकों, आप हमें बहुत प्यारे और होनहार लगे तो बुला लिया आपको। हम यूं ही नारद नहीं कहलाते, हम तो वो हैं जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। और जानते हैं, आज भी हम वही करने वाले हैं। नारायण नारायण। नारद अंकल, आपके बारे में तो टीवी पर बहुत देखा है, लेकिन एक बात तो बताइए जरा, आप आज क्या सरप्राइज देने वाले हैं? बच्चों, यह बताओ आज कौन सा विशेष दिन है? आज जन्माष्टमी है नारद अंकल। बस ये समझो कि सरप्राइज भी उससे संबंधित है। नारद अंकल, एक बात समझ में नहीं आती, जो देवी देवताओं की कहानियां हम सुनते हैं, क्या वे सब सच है? और नारद अंकल, राक्षसनी पूतना, कंस माता, सुदामा जी, क्या ऐसा कभी सच्ची में हुआ था? शांत बच्चों शांत, चलिए आपकी जिज्ञासा दूर करते हैं। बात उस युग की है जब देवकी की आठवीं संतान श्री कृष्ण के नंद बाबा के घर श्री कृष्ण के रूप में पल रही थी। उसे मारने के लिए राजा कंस ने कई राक्षसों को भेजा। उसमें से एक था बड़ा बलशाली, बड़ा भयंकर तृणावर, जिसकी परछाई से भी भय बरसता था। चलिए मैं आपको उस युग में लेकर जाता हूँ। भगवान कृष्ण के बारे में बच्चों, तीनों लोगों में उनसे शक्तिशाली कौन है? मैं तृणावर अपने आप को अति बलशाली मानता था, किंतु जब मैं कृष्ण का वध करने के लिए उन्हें ढूंढ रहा था, तब मुझे उनकी शक्ति का अनुभव हुआ। जब उन्होंने अपनी शक्ति और चमत्कार से देवर्षि नारद जी के शाप से शापित कुबेर पुत्रों का उद्धार किया था, जिससे वह पेड़ों से बदलकर वापस मानव रूप में आ गए थे। बालकों, मुझे अपनी अपार तूफानी शक्ति पर अति अहंकार था। जब मैंने श्री कृष्ण को मारने के लिए हाथ बढ़ाया, तब मुझे उनकी शक्ति का अनुभव हुआ। उन्होंने मेरा गला पकड़कर अपना भार इतना बढ़ा लिया कि मैं धराशायी हो। अति सुंदर, अद्भुत, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। नारायण नारायण। सच में नारद अंकल, किससे मिलवा दिया आपने? ये राक्षस तो बड़ा भयानक था। नारद अंकल, अब हमें किनसे मिलवाएंगे?
बच्चों अब मैं तुम्हें श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम दाऊ से मिलवाऊंगा। आ जाइए दाऊ। प्रणाम देवर्षि नारद। दाऊ हमें अपने और कृष्ण जी के चमत्कार के बारे में कुछ बताओ ना प्लीज। उनके साइज के बारे में भी। ये किशुम किशुम। ठीक है बालकों, तो सबसे पहले मैं तुम्हें गोवर्धन पर्वत और कृष्ण के चमत्कार के बारे में बताता हूँ। एक बार इंद्रदेव लगातार बरसे गोकुल के लोगों को कहीं भी सर छुपाने की जगह ना थी। ऐसे में कृष्ण ने पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को ही अपनी उंगली पर धारण कर लिया और सभी गोकुल वासियों ने पहाड़ के नीचे खड़े होकर अपने प्राण बचाए। हाँ तो वो प्यारा सा बच्चा अंकित ढिशुम ढिशुम सुनना चाहता था ना। एक बार की बात है बच्चों, कालिया नाग ने अपने जहर से यमुना जी को जहरीला बना दिया था, जिससे गोकुल के ग्वालों और गायों की जान पर बनाई थी। ऐसे में कृष्ण के अलावा कालिया नाग का सामना और कौन कर सकता था भला। कृष्ण ने अपनी अपार शक्ति से न केवल कालिया नाग को मजा चखाया बल्कि उसके फर पर नृत्य भी किया। नारायण नारायण। तो बच्चों कैसी लगी कृष्ण की लीला? अरे अंकल आपने हमें कृष्ण जी की मम्मा से तो मिलवाया ही नहीं, जिन्हें इतना सारा प्यार करती थी। अब मैं बुलाऊंगा कान्हा जी की मैया प्यारी, कर देते हैं पूरी इच्छा भी तुम्हारी। नारायण नारायण। आ जाओ मैया। प्रणाम देवश्री नारद। माता इन बालकों को आपने लल्ला के बारे में बताओ तो जरा, बड़े उत्सुक हैं तुम्हारे लल्ला के बारे में जानने को। क्यों नहीं बच्चों, मेरे लल्ला की बातें तो जितनी बताऊं उतनी कम। कहां से शुरू करूं और कहां पर खत्म। गोकुल की तो सुबह भी कान्हा के नाम से होती थी और शाम भी। पूरा गोकुल कान्हा को देखने के लिए व्याकुल रहता था। बच्चों मेरे लल्ला को माखन बहुत पसंद था। गोकुल गांव का ऐसा कोई घर नहीं था जहां से लल्ला ने माखन चुरा कर ना खाया हो। और जब मेरे लल्ला ने गोकुल छोड़ा तब पूरा गांव उसकी राह ताकता रहता कि कान्हा आए और उनकी मट्टी तोड़कर माखन खाए। और उसकी यही आदत तो सबके दिलों में बसती है। यशोदा आंटी आपने हमें कृष्ण जी के बारे में, उनकी दही हांडी के बारे में इतना कुछ बताया। अब मैं भी आपको बताती हूँ कि हम इतने सालों से कैसे जन्माष्टमी मनाते आए हैं। तो बलराम दाऊ और यशोदा मैया, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन्हीं जन्माष्टमी आयोजनों की एक झलक।
सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सा ना कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा। प्रेम ही सच्ची पूजा। प्रेम का प्याला पी ले जो भी, प्रेम रूप हो जाए। डूबे निज प्रियतम के रंग में, शुद्ध बुद्ध सब खो जाए। रास विलासी कौरव कालिंग कंस विनाशी, हिमकर भानु कृषान प्रकाशी, सर्वभूत ही बस वैया की, बोलो जय कन्हैया की। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो। Gopala Radhe, Govinda Radhe, Gopala Radhe.